हाय गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आप लोग देख रहे हैं द रिव्यू रूम। एंड रिलीज हो चुकी है द सीजन 2 ऑफ ताजा खबर। ये वेब सीरीज लास्ट ईयर आई थी हॉटस्टार में और इसका सीजन 2 इसी वीकेंड ड्रॉप हुआ है और मैं इसको देख चुका हूँ, तो आज बात करेंगे इसके बारे में। ताजा खबर स्टार्स भुवन बाम, श्रिया पिलगांवकर एंड जावेद जाफरी इन द लीड रोल। इसमें भुवन बाम का जो कैरेक्टर है उसको दिखाया गया है कि उसको एक ऐसी शक्ति मिलती है जिसमें उसको फ्यूचर में जो भी होने वाला है उसका न्यूज ऑलरेडी एक दिन पहले उसके फोन में आ जाता है। सो बेसिकली उसको वरदान मिलता है और इस वरदान से वो कैसे अपने लाइफ में ग्रो करता है और उसके साथ क्या क्या होता है, ये फिल्म का बेसिक प्रीमाइस है। सो सीजन 2 स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट जहां पे सीजन 1 खत्म होता है। हम देखते हैं कि भुवन बाम का जो कैरेक्टर है वो सब कुछ खो चुका है, सब कुछ गवा चुका है और अब जावेद जाफरी का कैरेक्टर उसके पीछे है क्योंकि उसने उससे बहुत ज्यादा कर्जा लिया था जिसको अब उसे झुकाना है और पूरी सीजन इसी बारे में है कि वो कैसे मैनेज करता है उसका कर्जा चुकाने के लिए। तो गाइज, अगर बात करें स्टोरी और स्क्रीन प्ले की तो दिस सीजन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस सीजन, क्योंकि प्रीवियस सीजन में हमें उसके कैरेक्टर का राइज देखने को मिला था और इस सीजन में उसका सिर्फ फॉल है और वो फॉल से कैसे बचता है। जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस सीजन में देखा था कि उसके कैरेक्टर के अंदर एक अहंकार आ जाता है, एक एरोगेंस आ जाता है जिसमें वो अपने आप को भगवान समझने लगता है और यही गॉड सिंड्रोम उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। इस सीजन में हम ये देखते हैं कि कैसे उसको अपनी गलती का एहसास होता है और ही ट्राइज टू मेक द रॉन्ग्स राइट बाय डूइंग द राइट थिंग, बट एट द सेम टाइम कोई अपने कर्मों से बच नहीं सकता, इसलिए हिज पास्ट एंड हिज कर्मा कम्स किकिंग हिम राइट इन द एस। गाइस, ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी द लास्ट सीजन वाज मच मोर एक्साइटिंग, क्योंकि लास्ट सीजन में हमें काफी सारी नई चीजें देखने को मिली है। इस सीजन में जो एलिमेंट ऑफ हिज फ्यूचर प्रिडिक्शन एंड जो उसको मैसेजेस आते हैं वो काफी कम हो गया है। इस सीजन में मोस्टली इट इज अबाउट हिम ट्राइंग टू सर्वाइव and trying to escape the gun which is hanging on his head. इसमें character arcs में भी काफी काम किया गया है। For example, कि भुवन बाम का जो character है उसमें हम लोग काफी नए shades देखने को मिलते हैं हमें। Last time it was arrogance, अहंकार and the god syndrome, but इसमें literally दिखाई दे रहा है कि उसको अपनी गलतियों का एहसास है and he really wants to make things right. इसमें उसकी फ्रस्ट्रेशन, aggression, helplessness को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है एंड आई थिंक द एक्टर डज अ वेरी गुड जॉब। बट ओवरऑल आई थिंक दिस वॉज अ फार सुपीरियर एंड अ फार इन डेप्थ परफॉर्मेंस कम्पेयर टू द लास्ट सीजन। द सेम आई वुड लाइक टू से अबाउट श्रिया पिलगांवकर, जिसका कैरेक्टर भी काफी इमोशनली डीप दिखाया गया है कम्पेयर टू द लास्ट सीजन एंड इस टाइम उसके कैरेक्टर को वो बहुत बखूबी सपोर्ट कर रही है बिकॉज लास्ट टाइम वी सॉ दैट देयर वर अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड देयर वर अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन द टू कैरेक्टर्स, बट इसमें दे आर ऑन द सेम प्लेन एंड दे आर बोथ ट्राइंग टू फाइट इट आउट एंड गेट आउट ऑफ दिस मेस दैट इज बीन क्रिएटेड। गाइस, जावेद जाफरी का कैरेक्टर इसमें नया इंट्रोड्यूस किया गया है एंड आई थिंक ही हैज डन अ फिनोमिनल जॉब। जावेद जाफरी वैसे भी बहुत अच्छे एक्टर है एंड आई विश दैट ही डज मोर एंड मोर वर्क, बट इसमें उनका जो कैरेक्टर है विच इज अ नेगेटिव कैरेक्टर, दिस हैज बीन डन एक्सट्रीमली वेल बाय हिम। उसमें उसका पूरा जो मेनेस जो दिखाया गया है कैरेक्टर का वो बहुत अच्छे से दर्शाया जाता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है जिसमें कि वो किसी को मारने से पहले उसको ऑप्शन देता है कि या तुम गन से मरो या तो चाकू से, और वो जो सीन को पोर्ट्रे किया गया है आई थिंक दैट इज डन फिनोमिनली वेल। ये सीरीज 6 एपिसोड्स लॉन्ग है और इसको प्रोड्यूस भी किया है भुवन बाम ने और इस सीरीज के डायरेक्टर है हिमांग गौर एंड आई वुड पर्सनली फील दैट ये सीरीज कुड हैव बीन एडिटेड अ लिटिल मोर क्रिस्पियर, क्योंकि इसकी एडिटिंग में कुछ कुछ ऐसे सीन्स है, कुछ कुछ ऐसे इंस्टेंसेस है जो मुझे थोड़े ड्रैग लगे और कंपेयर टू द लास्ट सीजन इसमें स्टेक्स भी थोड़े हाई होने चाहिए थे जो उतने नहीं थे। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज अ वेरी गुड वन टाइम वॉच एंड आई थिंक यू शुड वॉच इट डेफिनेटली। इट इज स्ट्रीमिंग नाउ ऑन हॉटस्टार। सो गाइज, दिस वॉज माई रिव्यू ऑफ द सीरीज ताजा खबर सीजन 2 विच इज नाउ स्ट्रीमिंग ऑन हॉटस्टार। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए द रिव्यू रूम एंड मेरा नाम है आदित्य, साइनिंग ऑफ।